वेलकम टू टेम्पटिंग ट्रीट्स। आज हमने सूजी क्रेप्स बनाकर तैयार किया है, तो आप भी चलिए देखिए कि हमने कैसे बनाकर तैयार किया है। आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ या बटर के साथ भी खा सकते हैं। आप इसे बनाइए और अपनी फैमिली और बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। इसके लिए हमारे पास ये इंग्रेडिएंट्स है, एक प्याज है मीडियम साइज का, और एक येलो वाला शिमला मिर्च है, रेड शिमला मिर्च है, और ग्रीन है, और ये गाजर है, इसको हमने ग्रेट कर लिया है, और एक टमाटर है, इसके हमने बीज निकाल कर इसको भी चॉप कर लिया है। सारे वेजिटेबल्स को हमने धोकर के अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। और ये मटर है 2 चम्मच, इसको हमने कूट लिया है, और ये लहसुन है, इसको भी हमने कूट लिया है। इसमें 2 बड़े चम्मच हम बेसन भी ऐड कर लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक बर्तन, उसमें डाल देंगे ये सूजी है, 1/2 कटोरी सूजी है, ये चावल का आटा है, ये भी 1/2 कटोरी है, इसको भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये ब्रेड है, इसको हमने पीस करके मिक्सी जार में ब्रेड क्रम्स बना लिया है, ये भी 1 कटोरी हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ ही दही है, फ्रेश दही, इसको भी हम ऐड कर लेते हैं, और सारे को हम मिक्स कर लेते हैं पहले अच्छी तरह से। इसके साथ ही हम सारे ये वेजिटेबल्स ऐड कर लेंगे, ये टमाटर है, इसको डाल लेते हैं। प्याज, गाजर, ये शिमला मिर्च है, तीनों कलर का। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं, ये नहीं है कि हमने जो डाला है वही डालना है। आप इसमें फ्रांस बीन भी डाल सकते हैं, अपनी पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं आप। इसके बाद ये लहसुन भी हम ऐड कर लेते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और सबको हम मिक्स कर लेंगे। इसमें हम पानी ऐड कर लेते हैं और इसको स्मूथ सा घोल तैयार कर लेते हैं। अब इसमें हम मसाले ऐड कर लेंगे, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, गरम मसाला, मीट मसाला और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देंगे, ताकि सूजी अच्छी तरह से फूल जाए। 10 मिनट हो गया है और सूजी हमारा अच्छी तरह से फूल गया है। अब इसमें ऐड कर लेंगे मीठा सोडा 1/2 छोटा चम्मच। अगर आपके पास मीठा सोडा नहीं है तो आप इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में हम ये चाट मसाला, इसको ऐड कर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप आमचूर भी ऐड कर सकते हैं। और ये हम कर लेंगे मिक्स इसको अच्छी तरह से। देखिए हमने ये गैस पे तवा रख दिया है और हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये रिफाइंड ऑयल, और इसको हम अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। ये बहुत ही हेल्दी है, आप इसे डिनर के रूप में भी या लंच के या ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं। बिल्कुल कम तेल में बनता है और इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत झटपट बन जाता है। देखिए अब हम इसे दूसरे साइड से भी पलट लेते हैं। देखिए हमारा ये बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे निकाल के प्लेट में रख लेते हैं और देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है। और इसी तरह करके हम सारा बना लेंगे, दूसरा भी हम इसी तरह बना लेंगे, इसको भी हम अच्छी तरह से फैला लेते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और उसकी बगल वाली घंटी कॉल पर सेट करें, ताकि मेरी कोई भी ऐसी नई रेसिपी आप मिस ना कर पाए। और मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसे अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि इसे मीडियम फ्लेम पे ही इसे बनाएं, नहीं तो ये तेज फ्लेम पे बनाने पे जल जाएगा और नहीं तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसे लो मीडियम फ्लेम पे ही बनाएं।